बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे जायके में देखिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गोभी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये गोभी ले ली हुई है, एक गोभी का फूल हमने, जिसको हमने अच्छी तरह से साफ करके धो लिया हुआ है। अब इसे हम पानी में ब्लांच कर लेंगे। तो देखिए जो है गोभी मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, गोभी को मैं ब्लांच जरूर करती हूँ, यानी कि गर्म पानी में एक उबाल जरूर ले लेती हूँ। इससे जो है इसमें जो है जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो निकल जाए। अक्सर गोभी में जो है महीन महीन छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उबाल लें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर ये हमने लहसुन ले लिया 6 कली, अदरक के 2 छोटे टुकड़े, एक टमाटर, एक प्याज, इनका पेस्ट तैयार करना है। कुकर ले लें आप या कढ़ाई ले लें, जिस कोई भी बर्तन ले लें जिसमें बनाना है आपको, उसमें आप तेल डाल दें। तेल 1/2 कप हमने इसमें शामिल किया हुआ है। अब इसमें हमने 1 चम्मच जीरा देखिए शामिल कर दिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें आप 1 चम्मच जीरा डाल दें, और बाज़ लोग मेथी भी डाल देते हैं तो मेथी भी डाल सकते हैं आप, सूखी मेथी, मेथी के दाने जो होते हैं। अब ये जो हमने टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया था वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। जीरा जब कड़क गया तो उसमें ये पेस्ट तैयार करके जो आपने रखा है वो शामिल कर दें। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए तो मसाला ये भून चुका है, तेल छोड़ दिया है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। देखिए तो हमने ये चम्मच खाने वाले चम्मच से हमने 3 चम्मच दही ले लिया है, और हरा धनिया पाउडर ले लिया देखिए हमने, और ये लाल मिर्च पाउडर ले लिया हुआ है, और हल्दी पाउडर ले लिया हुआ है। इतने मसाले हमने इसमें शामिल किया है। तो ये मसाले भी जब हम इसमें डाल के भून लेंगे अच्छी तरह से, दही और मसाले सब अच्छी तरह से हमें भून लेना है। देखिए 3-4 मिनट लगेंगे इसे भून लेना है। थोड़ा सा हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, इससे कलर अच्छा आ जाता है, तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। आजकल गोभी का सीजन है, देखिए मटर, गोभी, आलू का सीजन है, मेथी इसका सीजन है आजकल, तो आप सीजन की सब्जियां हर घर घर बनती हैं। तो इस तरह से आप ये सब्जी बनाएं गोभी मटर आलू की। तो हमने मटर अब इसमें शामिल कर दिया है, और ये हमने 4 मीडियम साइज के आलू लिए थे, इनको काट लिए छोटे टुकड़ों में। अब ये आलू भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब ये हमने गोभी रखी थी ब्लांच करके, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया देखिए। और ये हमने मेथी धो के साफ करके काट के रखी हुई थी, ये मेथी भी इसमें चली गई देखिए। तो 1 कटोरी मेथी हमने डाल दिया है, इससे बढ़िया खुशबू की आएगी, बहुत अच्छी सब्जी बनके तैयार होगी। अब आप नमक डाल दें, और अगर मसाला अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है। अब हम 1 कप पानी इतना डाल देंगे जितना कि बस गल जाए। आप पानी चाहें तो और भी इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको ग्रेवी थोड़ा पतली रखनी है, लेकिन हम यहाँ पर जो है पानी ज़्यादा नहीं शामिल कर रहे हैं। अब इसमें हम प्रेशर लगा देंगे और 1 सीटी ले लेंगे देखिए इसमें। तो 1 सीटी आ चुकी है। खोल के चेक कर लेते हैं। हरा धनिया काट के डाल देंगे थोड़ा इसमें हम। देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत बढ़िया सी मेथी की खुशबू आ रही है। आजकल सीजन है मेथी का, गोभी, मटर सबका सीजन है, तो आप सीजन में सब्जी घर घर बनती हैं सब्जियां,
तो क्यों ना आप इस तरह से भी बनाएं। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आप एक बार इस तरह से ये सब्ज़ी बना के ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर रेसिपी मेरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, अच्छा, बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।